अब 3 नंबर देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी हमें कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए माने साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, यानी P/H। तो हम लोग मान लेंगे, माना लंब बराबर 3x और कर्ण बराबर 4x, इसको हम मान लेंगे। तो हमारे पास आधार नहीं है, यानी आधार नहीं है, यानी हमारे पास d नहीं है। तो आधार हम निकालेंगे उसी पाइथागोरस के सूत्र के साथ। तो आधार हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है यहाँ पे 4x, 4x का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर हो गया 16x² और 3x का स्क्वायर हो गया 9x². तो 7x यानी आधार यानी जो बेस है उसका मान निकल गया √7x। तो हमें क्वेश्चन में निकालने को कहा गया है कि कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी निकालना है। तो कॉस ए जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता, माने कर्ण का कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण है, यानी B/H। तो B यहाँ पे निकला है √7x और कर्ण निकला है 4x, यानी कर्ण हमारे पास था ही, मतलब क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो x x कट जाएगा, तो √7/4। तो cos a का मान निकल गया √7/4, और tan का मान निकालने को कहा गया था, तो tan होता है P/B। तो P है 3x हमने मान लिया था, और b तो हम लोग यहाँ निकाले √7x, तो ये x x भी कट जाएगा, यानी 3/√7। तो tan a का आंसर 3/√7, तो ऐसे ही 3 नंबर बनेगा।